भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री मन्नू महाराज जी के दो बेटे और उनको तीन बेटियां हुई हैं, जिससे ये साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले बताओ क्या चाहिए, चरण में हमें भक्ति हो, अचला भक्ति हमें प्रदान कर। बोले तथास्तु। बोले और कुछ चाहिए? बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई घर गृहस्थ की इच्छा है ही नहीं, चूंकि आपकी इच्छा है ये धीरे 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 संसार का तो उनको श्री माता देवहूति को साथ में श्री कर्दम ऋषि के साथ दूंगी। जब मनु महाराज जी माता देवहूति को कर्दम ऋषि को साथ ही दिए तो बेटी को अच्छे तरह से लिखा पढ़ा भेजे और बहुत कुछ उन्होंने दहेज रूप में भी उन्होंने प्रदान किया है। जब शादी हो गई इतने में श्री कर्दम ऋषि फिर भजन में बैठे, लेकिन वो पति प्रधान नारी है, पति प्रधान नारी का क्या धर्म है? ऐसे नहीं पिता पति भोजन नहीं किए स्वयं बने और चट कर लिया, ये धर्म नहीं है। पति की अनुगमन करनी चाहिए हैं? इसलिए पति अभी भजन में बैठी गए, अभी माता देवहूति बड़ी पतिव्रता धर्म को साथ में उसने पति की सेवा की और उन्होंने 10,000 साल तक उन्होंने तपस्या की, भोजन नहीं किया और माता देवहूति इतने पति की सेवा उसने की, इतने पति सेवा की बिना खाए पिए तो शरीर एकदम रुग्ण शरीर हो गया। 10,000 साल के बाद में जब पति की आंख खुली सामने देखा एक बुढ़िया बैठे, उन्होंने भूल गए मेरे को शादी भी किया है। बोले तुम कौन हो? बोले आपको याद नहीं आपने कभी शादी किए? रो तुम वही देवहूति? बोले ना मैं वही देवहूति हूँ, लेकिन जो आकृति देवहूति जो प्रसूति इतनी सुंदरी थी देखने में, जब ये अपना आंगन में खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके वही बेहोश हो जाते, इतने सुंदर थी, लेकिन उन्होंने पति की सेवा करते 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 एकदम बुरी बन गए। लेकिन देखो पति सेवा अगर जो करता है ना काय मन बाके उसका फल भी मिलता है। अभी ऋषि तो बड़े खुश हो गए, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए? बोले आपने शादी क्यों किया था? वायदा किया था ना ठाकुर से अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे मैं शादी करूंगा। बोले हाँ। जो किया था घर गृहस्थी करो। बोले ठीक है काम करो जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। जब उसने बिंदु सरोवर में स्नान की पहले जितनी सुंदर थी लेकिन पति की कृपा से आशीर्वाद से उससे भी और सुंदरी बन करके प्रकट हुई, 1,000 दास दासियां वहां प्रकट हुई और ऋषि ने एक विमान सृष्टि की जिसका नाम था कामक विमान। देखो अभी जो साइंस है ना, पहले जो साइंस थी बहुत एडवांस थी, बहुत एडवांस थी, उन्होंने एक विमान सृष्टि किया जिसका नाम कामक विमान। कामक विमान का मतलब क्या है? मतलब जिसमें डीजल और पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं, कभी जिस विमान में बैठने पर कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगी, कभी भूख नहीं लगेगा और इतना बड़ा विमान था जिसमें सुंदर राजमहल बना हुआ, बड़ी सुंदर सरोवर है जहाँ पर 4 तरह का कमल फूल खिला हुआ जिसमें राजहंस विहार करते हैं, बेली चमेली जूही माधवी केतकी बड़ी सुंदर सुंदर वहाँ पर फूल की बाग है। इतने सुंदर उन्होंने विमान सृष्टि की और वो विमान में बैठ करके कर्दम ऋषि माता देवहूति के साथ उन्होंने भ्रमण किया और वहाँ पर वर्णना की इतने बड़ी विमान इतने क्रोश तक वो विमान थी। विहार करते करते उनको नॉर्थ बड़ी सुंदर सुंदर लड़की थी
अभी करता मेरे सी बोले देवू थी अभी तो खुश हो गई ना तो बेटी हो गई। बोले नहीं ये बेटियां तो शादी करके अपना ससुर घर चली जाएगी फिर मेरे पास में कौन रहेगा। तो माता देवती पति की अपना पति प्रता धर्मों को साल में जब सेवा की स्वयं ठाकुर जी इनके घर में श्री कपिल भगवान जन्म हुए। बोले श्री कपिल भगवान की जय। जब भगवान कपिल देव जन्म हुए अगर आपकी घर में बेटी है पिता का पहला कर्तव्य क्या है। बोले बेटियों को शादी दो सबसे पहला ये कर्तव्य है ये सबसे बड़ा कर्तव्य पिता माता की है। घर में अब लोगों ने बेटियों को किसी ने शादी करवाया हो कौन कौन बेटियों की शादी करवाई हाथ उठा कौन कौन। आप देखना जब एक बेटी को शादी करते हैं ना घर खाली हो जाता है ना दहेज देने की। और गुजर घर में तो कितना सोने चांदी दान देते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां दान देती है। एक बेटी को शादी कर घर खाली हो जाएगी लेकिन इनके पास में कितने बेटियां हैं नौ नौ बेटियां। तो समझो कितने कठिन ही होगा बेटी को शादी देना। लेकिन यहाँ सिखा देते हैं अगर जो भगवान की भजन भगवान की भक्ति करते हैं ना इतना करते हो की बात बरसात हुई क्योंकि स्वयं ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण स्वयं सावरिया सेठ बन करके उनकी बेटी की शादी दिलाने के लिए गए। ऐसे उन्होंने शादी दिलवाई अपना भक्तों की बेटी की शादी करवाई। एक दिन ब्रह्मा जी का जोड़ी तो बड़ी प्यारी नौ बेटे और नौ बेटी। बोले भैया सुबह सुबह कार्य जल्दी कर दे बेटियों को विदाई कर दिया घर खाली हो गए पूरा पूरा। अभी घर में तीन व्यक्ति रह गए पिता माता और बेटा। अभी कर्तव्य ऋषि भगवान से वरदान मांगे थे तब तक मैं संसार में होगा जब तक तो बच्चों को शादी नहीं हो जाए घर में बैठे। ठाकुर तो स्वयं तुम्हारी घर में कपिल मुनि आए फिर तुम फिर भजन करने के लिए किसको जा रहे हो। तब इसका पीछे उन्होंने तीन कारण बताया। कितना कारण बताए मैं आज बोलूंगा कल हम सब सुनूंगा ध्यान देकर सुनूंगा। देखो जो जो स्रोत जो भक्त जो श्रोता जो भक्ता होता है ना जो टीचर ना इसलिए ऐसे नहीं कथा यही सुने और तुम्हारी तक तुम सीमित कर रख दिया। देखो एक चीज को याद रखो जो भगवान की कथा नहीं सुना तुम्हारी भक्ति भी पकी नहीं तुम्हारी भक्ति भी पकी नहीं होती है। लेकिन जब तुम किसी को कथा सुनाओगे तुम्हारी भक्ति भी पकी होगी। क्यों तुम कथा सुनाती हो बोले तिलक लगाओ कट्टी धारणा करो हरिनाम करो और जब खुद करोगे तो दूसरों को बोलोगे ना तभी ये हरिभक्ति को प्रचार किया। वो कहते हैं जो माया में जो फंसे हुए जो जीव है से समझा बुझा करके एक व्यक्ति को भगवान की भजन में लगा दिया। बोले एक व्यक्ति बोले भैया कितना पुण्य मिलेगा। कहते कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोल दे करोड़ों करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे उसमें जो पुण्य मिलेगी देखा कि नहीं देखे है ना। लेकिन लक्ष्मण को ऊपर शक्ति सेल उन्होंने की भगवान राम और लक्ष्मण को उन्होंने नाग खास बंधन में बांध दिए है लेकिन काल रूप में दर्शन कर रहा है। क्यों भक्ति नहीं है। शिशुपाल भी कृष्ण को दर्शन की कृष्ण सामने खड़ेंगे गाली को ऊपर गाली 101 गाली कृष्ण को निकाली टीवी कृष्ण दर्शन करके जीवन के परिवर्तन। जब बच्चे हुए वो बात्सल रस मेरे बेटा है वो बात्सल रस है लेकिन ये जो दास्य और बात्सल रस में लड़ाई होने लग गई इसलिए पहले भैया घर में रहने पर नहीं। तीसरा कारण बेटा होने पर भी ये माँ है कहा माँ बेटे को ज्ञान देगी लेकिन यहाँ पर स्वयं माँ अपना बेटे को पास में जा करके हाथ जोड़ करके बोले बेटा तू तो भगवान हो कारण
भले मान जो मन ही ये बंधन का कारण है और ये मन ही मुक्ति का कारण है। जब ये मन को उठा दो फिर ये मन मुक्ति के कारण बनेगी। बोले कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। द्वापर युग में अर्जुन स्वयं कहते कृष्ण को चंचल ही मन कृष्ण बलवत तेरा। अर्जुन बनेंगे संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बने अच्छी बनेगी तेरी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी। क्या होगा बोले सतांग प्रसंगा तो हम अबीर जे समझे। संत कहते हैं क्या, संतों का लक्षण क्या है? बोले संतों का लक्षण है मत कथा मत कथा चिंता। साधु संग करोगे मां तुम्हारे जीवन की धन्य हो जाएगी। बोले भले भा मतलब होता है भय, ये भय भी तुम्हारी दूर हो जाएगी। मां अगर तुम संतों के संग करोगे तो ये जन्म मृत्यु से चिरकात सात्र वसांता साधु भी साधु भूषण। बोले मां आध्यात्मिक सुनो, पहला लक्षण है तितिक सब रहे ना, त्यागी संतों की चर्चा कम है। यहाँ पर गृहस्थ का ज्यादा चर्चा है। जन्म भारत हे अर्जुन, उसकी मुंह में ही प्रभु का नाम उच्चारण हो सकता है। सभी का मुंह से प्रभु का नाम आनंद ही। इसलिए कहते संतों का जो पहला लक्षण है क्या है, तितिक सब मतलब सहन शक्ति। देखो त्यागी हो नहीं तो गृहस्थ हो, अगर बात बात में क्रोध आ जाता है तुमको, बात बात में चिड़चिड़ापन है, बात बात में मचल जाते हो, घर गृहस्थ चलेगी तुम्हारी, चल सकती है क्या? चल ही नहीं सकती है। त्यागी भी हो बात बात में क्रोध आ जाए हैं, बात बात में गुस्सा तो कभी चलेगा वो भी नहीं चलेगा। इसलिए कहते भैया भक्ति करने का पहला लक्षण है सहन करो। जैसे हरिदास ठाकुर, नाम सुने हरिदास ठाकुर का, जो दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे, जो उस समय मुसलमान का राजत्व तो था, किसने जाकर के राजा से शिकायत कर दिया ये मुसलमान होकर के हिंदुओं का जो वाणी ये महामंत्र जब करता है, तो उनको बुलाया बोले भैया तू कितने भाग्य से तुमने मुसलमान घर में जन्म लिया और मुसलमान होकर के तुम ये हरिनाम क्यों करते हो, खबरदार ये हरिनाम को छोड़ दो नहीं तो तुमको 22 बाजार में पिटाई होगी। बोले भले ही मेरे शरीर को गोटी गोटी करके काट के नहीं डालो लेकिन भगवान के भजन को मैं छोड़ने वाला नहीं। इसलिए उसको 22 बाजार में पिटाई हुई लेकिन जितने जोर से पिटाई हो रही थी ना वो उतना जोर से चिल्ला चिल्ला करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे, इतना जोर जोर से प्रभु का नाम ले रहा था। इतने में साक्षात ठाकुर जी वैकुंठ से सुदर्शन चक्र लेकर के आ गए। बोले मेरे भक्तों को मैंने अत्याचार इनको जान से खत्म कर डालूंगा। लेकिन संत दे बोले प्रभु ये अज्ञानी कुछ नहीं जानते, इनके पाप को अपराध को मतलब उनको माफ कर दो। ठाकुर जी अपना पीठ उनको पीठ पर लगाते। अभी प्रह्लाद का कथा आएगा, जब प्रह्लाद ने भजन की उसको पिता हो गए, उसको जान से मारने के लिए कुछ पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, आग को अंदर में बैठा दिया। पंच पांडव का नाम जानते हो, कृष्ण भक्त थे ना, कितना साल तक जंगल में रहना पड़ा, 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल अज्ञातवास की। मीरा का नाम सुने कि नहीं, मीरा ने जब भजन की उसका पूरा परिवार विरोध हो गए लेकिन मीरा ने भगवान की भजन छोड़ी कभी, कभी भगवान की भजन छोड़ी? देखो जैसे एक लोहार होता है ना, वो क्या करता है
लोहे को आग में देता है, जब गर्म होता है ना फिर निकालता है, खूब पीटता है, पीट पीट करके उसको सर खाद निकालता है, फिर देता है पानी में, ठंडा पानी में, फिर उसको आग में देता है, जब फिर लाल हो जाता है फिर पीट पीट करके उसको खाद निकालता है, इतना उसको कठिन बना देता है, लोहा लोहे को काट देता है। इसलिए भगवान जब प्रेम देंगे ना ठाकुर जी, जब प्रेम देंगे ऐसे नहीं देंगे, मेरे तरफ में देखो, इसलिए ऐसे प्रेम ठाकुर नहीं देंगे, वो परीक्षा करके देते हैं। देखो जगत में किसका नाम हो रही, वीरा की नाम हो रही कि नहीं, प्रहलाद का नाम हो रहा कि नहीं, पांडव का नाम हो रहा कि नहीं, हो कि नहीं, हर नहीं, भागवती का नाम लिखा हुआ। इसलिए भाई थोड़े थोड़े कोई विपत्ति आ जाए तो ऐसे नहीं खाना नहीं छोड़ते हैं, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं सब करेंगे, लेकिन माला को पहले छोड़ते हैं। मतलब ये माला छोड़ने के लिए पहले से हम तैयार हुए, ये माला कौन छोड़ेगा? आप प्रश्न करेंगे भैया जो भगवान की भक्ति करते ही यहाँ पर प्रश्न करते हैं भागवत में, फिर देखो माता ध्यान देकर सुनेगा, यहाँ प्रश्न करते हैं, कहते जो देवियों को पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, इधर उधर देवा देवी, ठाकुर तो खूब धन दौलत देते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण विष्णु को पूजा करते हैं, कभी कभी दिखा जाता है वो कभी कभी दरिद्र होते हैं, बोले ऐसे क्यों कारण किया, तो उसका उत्तर देते हैं, जो ठाकुर है ना ये निर्गुण है, सत्व रजत तम ये गुण से निर्गुण है, इसलिए भगवान की भक्ति करने पर वो ऐसे चीज देते हैं, वो निर्गुण वस्तु प्रदान करते हैं, लेकिन जो दूसरे देवा देवी वो तीन गुण का अधीन है, अधीन होने का नाते दुनियादारी वस्तु देते हैं और उसको संसार का बंधन में बांध देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जब ठाकुर जी देते तो है लेकिन पहले परीक्षा करके देते हैं, जय सुदामा, पहले उन्होंने बड़े कष्ट उठाए, पंच पांडव बड़े कष्ट उठाए, लेकिन पांडवों को उन्होंने क्या दिया, पूरा त्रिभुवन का राज्य दे दिया, पहले सुदामा जी को गरीबी दिखाया लेकिन लाख उन्हें क्या दिया, उनको सोने के महल, बोले पहले क्यों नहीं दे दिया, देखो पचहत्तर समझो, जैसे एक माँ की दो बेटे हैं, एक बेटा का पेट खराब है और एक बेटा का पेट बढ़िया है, आप देखना माँ क्या करती है, जो बेटा का पेट खराब है ना पतली पतली खिचड़ी खिलाती है, और जो बेटा का पेट बढ़िया है ना बढ़िया रसगुल्ला लड्डू है बढ़िया बढ़िया उसको बढ़िया बढ़िया चीज खिलाती है। आप बोलोगे एक माँ तो दोनों बच्चों को अंदर में फर्क क्यों दिखता है, कोई कारण है कि बच्चे को पतली खिचड़ी क्यों खिलाती है, बोले पेट खराब है, अगर उसका लड्डू खिलाएगा तो हजम नहीं होगा, उसको हजम नहीं होगा, हाँ उसको भी लड्डू खिलाएगा लेकिन पेट जो सही हो जाएगा। इसलिए ठाकुर देते ही कब देते हैं, परीक्षा करके, ऐसे नहीं जो ऐसे चीज दे दिया जो माया के अंदर में जीव फंस जाए, इसलिए ठाकुर जी पहले परीक्षा करके देते हैं, कहते ना ठाकुर जब देते नहीं जब देते हैं छपर छपर हार करके ठाकुर जी देते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान अपना संतों का लक्षण बताए, बोले मई अनन्न भाविना भक्ति कुर्बत जतिना, और एक चीज समझो भगवान कहते जो मेरे भक्त होते हैं, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, कहते मई अनन्य भावे ना भक्ति कुर्बन्ति ये दृढ़ा, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं वो मुझे छोड़ करके वो इधर उधर भटक रही है, आज ये देवता को पूजा कर दिया काम नहीं बना, बोले चलो वहां पर कोई एक पीर बाबा वहां पर चलो, वहां पर नहीं हुआ बोले अमुक अमुक जगह पर और एक बाबा है वहां चलो, भैया मेरे भक्त ऐसे भक्ति नहीं करते हैं, मेरे भक्त तो बड़े पक्के होते हैं, मेरे पक्के होते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरों को कोई, गोपियां क्या कहती हैं उद्धव जी को, जब उद्धव जी बोले भगवान तो सर्वत्र, भगवान कहाँ नहीं, जहाँ उनको याद कर ठाकुर तो वहीं आ जाएंगे, तो गोपियों ने किया बोले बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे,
को आराध्य ईश, जो भक्ति है मन एक है, मन दस बीस नहीं है, जो इसको दे दो इसको दे दो इसको दे दो, मन तो एक ही है ना। ये जो भक्ति है कति एक पति प्रता नारी के घर में है, भक्ति भक्ति एक पति प्रता। भैया क्या बोल रहे हो, मैं ठीक कर दूंगा, समझा चुका भाई, मैं ठीक दे दूंगा। इसलिए जो भक्ति है ये एक पति प्रता नारी की धर्म है। जैसे पति प्रता नारी अपना पति को छोड़ करके और कहीं नहीं जाती है, मेरे जो भक्त है ना वो मेरे को छोड़ करके और कहीं जाते नहीं। देखो पीछे बहुत लोग आ गए, आप लोग काम धीरे धीरे आगे आ जाए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय
बजाओ, ऐसे नहीं, जोर से बजा लो बजा लो।
इसको देख करके परीक्षित महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मैदान से तलवार को निकाले, जब उसको मारने के लिए झपट पड़े, उसको पता था ये कौन है, ये अर्जुन का वंशधर है। कहते जो अर्जुन का वंशधर में एक विशेष गुण, बोले क्या गुण, बोले आप जितने बड़े अपराधी क्यों नहीं हो, अगर उनके चरण में प्रणाम कर लिया, शरणागत हो गया तो माफ कर देते। बोले भैया बताओ तुम कौन हो। उसने बोले मैं साक्षात कली हूँ। बोले ये गैया कौन है। बोले ये पृथ्वी है। बोले ये क्यों रो रही है। बोले भगवान कृष्ण जब राजयोग को कर रहे थे उसी समय धर्म चार चरण में विद्यमान था, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न थी। ठाकुर जी को चरणों को स्पर्श करते हुए जो घास नहीं मानो उनको रोंगट खड़े हो जाते थे, जो झरना नहीं मानो उनको आंखों से को आंखों की अश्रु विसर्जन होता था। अभी कृष्ण चले गए कलियुग आने वाला, कलियुग में बड़े पाप कर्म होगा, इसलिए मैं कैसे स्नान करूं इसलिए रो रहा हूँ। बोले ये बैल कौन है। कहते ये बैल स्वयं धर्म है। बोले इसका तीन चरण कहाँ चला गया। बोले सप्त त्रेतया द्वापर तीन युग गई, धर्म का तीन चरण गया, अभी धर्म केवल दान को ऊपर में एक प्यार में खड़ा हुआ है। बोले ये कौन। बोले ये साक्षात कली। बोले ये क्या कर रहा है। बोले ये कोशिश कर रहा है कलियुग में कोई धर्म कर्म नहीं रहे, सर्वत्र मेरे राज्यत्व को। तो परीक्षित महाराज बोले देखो जब तक मैं रहूंगा तेरे को ये राज्य जगत में कोई अधिकार नहीं, तुम यहाँ से भाग जा नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा। बोले संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राज्यत्व है, मैं कहाँ जाऊं। आपने जब सबको स्थान दिया आप कृपा करके मुझे भी स्थान दो। अभी परीक्षित महाराज सोच रहे हैं
ये कली को स्थान दो तीन नहीं दो। देखा यद्यपि ये कली युग में पापी पाप है, लेकिन देखा कली युग में एक गुण भी है। बोले कली युग में क्या गुण है? बोले कलो दशनिधे राज अस्ति एक महान, बोले एक महान गुण है। बोले कली युग के बोले नाम आधारा और सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कली युग में अगर थोड़ी सी कोई भक्ति पूर्वक भगवान के नाम को कर ले, इसी से जी का उद्धार हो जाएगा। और ये जो कलयुग में हम लोग आए हैं, कलयुग में कोई भी झटका लेना नहीं चाहते। क्यों? आप कितना देश देश में लड़ाई हो रही है, घर घर में भी लड़ाई है, बहू बहू में भी लड़ाई, देखना देखना भाई भाई में भी लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोस में भी लड़ाई, मन मन में भी लड़ाई, कहाँ लड़ाई नहीं। देखो तो जो भी कलयुग है ना, उसमें कोई जन्म लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोग जिस कलयुग में आए ना, ये कलयुग साधारण नहीं है। इसलिए एकादश स्कंध में बताए स्वर्ग के देवता लोग भी कलयुग में इंसान बनना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक का लोग, सप्त तृतीय द्वापर युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेकर के ये महाप्रभु की धारा में आकर के गले में कटी तिलक लगा करके भगवान के नाम को करना ये चाहते। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए, ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु उसको मुक्त हाथ से प्रदान करें। इसलिए कलयुग में बड़े बड़े देवता लोग, आप लोगों को कंठी माला पहने हुए हो ना, मैं नहीं भागवत कहता है, बल्कि सब सत्य तृतीया द्वापर युग में बड़े बड़े ऋषि तपस्वी लोग भी कलयुग में आकर के गले में कंठी तिलक लगा करके ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग भारी भाग्यवान हो जो यहाँ कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। कलयुग में थोड़ी सी हरिनाम कीर्तन से वो प्रेम मिलेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने बोले भैया कली दोस्त तो है ही है, तुम रुक जाओ, तुम आ जाओ कलयुग में। इसलिए उन्होंने कली को उन्होंने चार स्थान दे दिया। अगर कलयुग में ये चार नियमों का पालन करते हुए थोड़ी सी कोई अगर हरिनाम करते उसको उधार हो जाएगा है। जैसे कोई अच्छे डॉक्टर को पास में जाओ, सचमुच से तुम्हारी बीमारी को सही करना चाहता है, वो पहले परहेज बताएगा। देखो दवा तो बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन परहेज को साथ में दवा लोगे तो जल्द तुम्हारी बीमारी सही होगा। बोले चार परहेज है, केवल चार नियमों का पालन करो और थोड़ा सा हरिनाम करो। पहला नंबर किया, बोले बोलता हूँ किसी तरह का जुआ नहीं खेलनी चाहिए। परीक्षित महाराज बोले देखो युधिष्ठिर महाराज, मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मैं कितने सत्यानाश होंगे, इसलिए खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगाया करो है। दूसरा है पानम, किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। यहाँ तक भी चाय नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीनी चाहिए? बोल भैया चाय में क्या दोष है? बोले चाय के पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटीन कफीन डालते हैं। जैसे शराब पीने का समय आ जाएगा, शराब नहीं पिएगा तो क्या होगा? उसको घबराहट होता है, बेचैनी से होने लग जाती है। आप देखना जो चाय पीते हो, अगर चाय पीने का समय आ गया चाय नहीं पिया क्या होता है? बोलो सर दर्द होता है ना, कि उसमें निकोटीन कफीन डाला हुआ, नशीली पत्ते डाला हुआ है, वो अच्छी चीज नहीं है। रामदेव बाबा का योगा देखो ना, एकदम चाय पीने के लिए मना करता है, उसमें गैस्ट्रिक होता है, तरह तरह का बीमारी आती है। इसलिए चाय अच्छी चीज नहीं। ये विदेशी लोग हमें गुलाम बनाने के लिए पहले बिना पैसा की ये चाय पत्ता बांटना शुरू कर दिया, बिना पैसा की, पैसा नहीं दिए, लेकिन जब नशा चढ़ गया ना बोले पैसा नहीं, और हम तो बीत गए। इसलिए ये चीज नहीं लेनी चाहिए। तीसरा चीज है स्त्री अंग, बोले स्त्री अंग के ऊपर में भी कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्री अंग के ऊपर में? बोले जो अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से मिलते हैं, संसार करो शादी करके पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो, ऐसे बिना शादी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कर घूम रहे हो, शास्त्र एकदम ये चीज मना की। अभी पंचम स्कंध में कथा आएगी
उनको कठोर दंड मिलता है, मरने का बाद नर्क भोग करना पड़ता है, बड़े कठोर दंड मिलता है। इसलिए और जो चौथा चीज है जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा और ये प्याज लहसुन त्याग करनी चाहिए। अब लोग भैया प्याज लहसुन में क्या चीज है, और ये तामस की वजह है। देखना नवरात्रि आती है ना, नवदिन तो कोई प्याज लहसुन खाते हो, कोई नहीं खाते, क्यों? माता जी को पसंद नहीं, कभी कभी खाते हो क्या? नौ दिन के लिए खुश रहो, फिर खा कर नाराज कर दो, नौ दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए जो लहसुन प्याज है, कभी कथा सुनोगे, जब भगवान सुदर्शन चक्र से वो दैत्य को उन्होंने मारे, जहाँ पर उसको मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज के पौधा हुई। जैसे मांस लाल लाल रंग का, प्याज भी लाल लाल रंग का, जहाँ पर हड्डी गिर पड़ा वहाँ लहसुन के पौधा हुई, और जहाँ पर मसूर का दाल, जहाँ पर रक्त का खून गिरा वहाँ पर मसूर की दाल हुई। फिर ना ये चीज पहले भी घर में नहीं घुसाया करते थे, इसलिए पाप वस्तु है और ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। और जो चीज़ ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है वो चीज़ हमें भी नहीं लेनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन भुंजते तो अघम पापा जे पचन्ते आत्मनाथ, जो अपना लिए बना करके खुद खाते हैं, ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं, वो पाप होने लगते हैं। सुदामा का कथा सुने होंगे, ये सुदामा पहले गरीब क्यों बना, फिर ये धनी क्यों बना? आप टीवी में देखे होंगे, जब गुरु गृह में जा रहे थे कृष्ण सुदामा, उनको माता जी ने सुदामा का चाना दिया था, बोलते कृष्ण को देख कर खाई हो, लेकिन सुदामा क्या किया, कृष्ण से छुपा छुपा कर खाए, चखाया कि नहीं, इसलिए गरीब बना, धनी का बना। फिर जब ठाकुर को दर्शन के लिए गए, दो मुठी चिड़वा लेकर गए, तो ठाकुर दो मुठी खाए तो त्रिभुवन कराते थे, मतलब भगवान की भोग ला कर खा देना घर में लक्ष्मी की भी कृपा होती है। इसलिए कोशिश करना कि प्याज लहसुन को नहीं खाने के लिए, तामस की वस्तु है, जैसे खाओगे मरना वैसे बनेगा, मन भी वैसे बनेगा, ठीक है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलियुग का चार जगह पर स्थान भी ये कली, फिर उन्होंने सुवर्ण में स्थान किया, सुवर्ण में मतलब ये पैसा में ये कली का सारे स्थान। आप बोलो भैया पैसा तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो नारायण की है, लक्ष्मी कैसे कली की वास है? देखो ये चीज को समझो, इसलिए लक्ष्मी की दो वाहन है, कितने वाहन है, कहते हैं उल्लू है और उनके गरुड़ है। अब ध्यान लगा करके देखना कि जो लक्ष्मी जब उल्लू के ऊपर बैठता है वो अकेले बैठता है। अगर कोई घर में पैसा को बुलाए, माँ लक्ष्मी आओ, क्यों, हम तुमको भोग करेंगे, बोले तुम मेरे को भोग करोगे, मैं भगवान की हूँ मेरे को भोग करोगे, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी, फिर हमें उल्लू बनाए। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन लक्ष्मी किसकी, नारायण की, बोले माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों, बोले तुम्हारी बगैर ठाकुर की सेवा कैसे होगा, इसलिए आओ ठाकुर को सेवा के लिए आओ। फिर उसी समय में लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगा। बोले गरुड़ कहाँ रहता है, गरुड़ ये वैकुंठ में रहता है, फिर तुम्हारी घर को माँ लक्ष्मी वैकुंठपुरी बना देंगे, वैकुंठपुरी बना देगी तुम्हारे घर को। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ, जहाँ ठाकुर को सेवा वो कली का स्थान नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित ने ये वर्णना किया, नरक का वर्णना किया, जैसे जैसे कर्म करता है जीव, जीव को ठीक वैसे वैसे फल भोगना पड़ता है, कर्म के अनुरूप उन्हें फल भोगना पड़ता है। कैसे जो मांस मछली खाते हैं, मरने का बाद उनको भी फोलते हुए तेल में जैसे पकौड़ा बनाते हैं वैसे बना देते हैं, हैं? जो व्यक्ति की आंखों में गंदी गंदी चीज देखते हैं उसको आंख को उखाड़ लेते हैं, जो कान में गंदी गंदी म्यूजिक सुनते हैं, भगवान के कीर्तन को छोड़ करके कान में लोहे को गर्म करके डाल देते हैं, जो शराब पीते हैं लोहे को पिघाल कर उसको मुंह में डालते हैं, जब उन्होंने इसको वर्णना की ना परिचित महाराज, इससे मुक्ति मिलने का उपाय है कि मिलते हैं, बोले है मुक्ति। अगर कोई तुमने पाप कर्म किया है, शास्त्र में बताया वो प्रायश्चित इसका उपाय है, ये पुण्य कर्म करो पाप नष्ट हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने संतुष्ट नहीं हुए। बोले क्यों है, क्यों? बोले पाप कर्म करके इस लोग घी में चर्बी मिला देते हैं, चावल में कंकड़ मिला देते हैं, लेकिन दिन भर तो पाप कर्म करते हैं। बोले शाम को जाकर क्या करते हैं, कहीं कुछ कुछ दान पुण्य कर देते हैं, चिड़िया को दाना खिला देते हैं, कहते हमने पाप कर्म कर दिया और फिर क्या किया मैंने, पुण्य कर्म की, फिर दूसरे दिन से फिर वही पाप करना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से स्नान कराओ, आप देखना वो हाथी उठ करके सबसे पहले धूल ढूंढेगा, फिर फर्न करके सारा शरीर में लगाएगा। इधर पाप कर्म करते फिर पुण्य फिर पाप कर्म, लेकिन हृदय तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। बोले हृदय परिवर्तन की कोई उपाय है कि नहीं? बोले बोले क्या है? बोले केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अग्नम धुनति प्रश्नेना निहार इव भास्कर। बोले उपाय है, अगर भगवान की भक्ति अगर कोई करे, ठाकुर जी का अगर कोई नाम ग्रहण करता है, प्रभु का नाम में इतने शक्ति है कि नाम समस्त पाप को नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार को दूरीभूत कर देता है, भगवान के नाम में इतने शक्ति है। जैसे अजामिल का कथा भी आएगा, जैसे कल सुन रहे थे वाल्मीकि का कथा सुन रहे थे, वो पहले दशरथ नागढ़ था, मुंह से राम का नाम नहीं निकला, लेकिन मरा मरा करते 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 कहते उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम में इतने शक्ति, बड़ा शक्ति ठाकुर जी का नाम में। तब उन्होंने अजामिल का कथा सुनाई, मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजामिल, ब्राह्मण घर में बेचारा जन्म हुआ, ब्राह्मणी बड़ी सुंदरी घर में, ब्राह्मणी बड़ी सुंदरी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि अजामिल ने जंगल में गया था हवन का लकड़ी और फल फूल का संग्रह करने के लिए। उसने देखा दो शूद्र, एक शूद्राणी शराब पी रखे और विवस्त्र होकर के दोनों को विहार करते हुए देखा, और देखते ही रह गया, वो देखते ही रह गया, उसने आंखों को हटा नहीं पाया। अभी उसके हृदय में ना ये फटो पूरा खींच गया, लेकिन जब वो घर में आया देखो ये गंदी चीज कितने दुष्प्रभाव डालता है, कितने दुष्प्रभाव ये गंदी चीज डालती है। जब उसने घर में आया अभी वो जो देखा था ना भूल नहीं पा रहा, वो भूल नहीं पा रहा है। घर में पत्नी कम उम्र की सुंदरी, लेकिन अपना पत्नी को त्याग दे करके वो जो वेश्या शूद्राणी थी उसको साथ में चला दिया, घर का सारे संपत्ति वहां पर दे दिया। देखो ये इसलिए नियम है इन आंखों से, भैया गर्दी चीज को नहीं देखनी चाहिए, कि गर्दी चीज को नहीं देखनी चाहिए। अजामिल जैसे व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, इतने सदाचार संपन्न, अगर उसकी मान अगर इसे बदल सकता है, अगर तीन बार अगर उल्टा पुल्टा गंदी चीज को हम देखेंगे फिर हमारा चित्त कैसे हो सकता है। इसलिए गंदी गंदी चीज को हमें नहीं देखनी चाहिए। उसने उसको साथ में आ कर रहा, लेकिन तो हिंदू था, लेकिन उसको 10 संतान हुए, लेकिन जो सबसे जो छोटा बेटा इसका नाम रख दिया नारायण। क्या नाम रखा? नारायण। जोर से बोलो। अभी देखना सबसे छोटा बेटा ज्यादा प्यारा होता है। अभी बात बात मतलब बेटा नारायण बोलिए पानी देना, बेटा नारायण को कहाँ गए हो? बेटा नारायण गोद में आ जा बेटा। अभी तीन बार नारायण नारायण करता है, ऐसे करते करते अंतिम मृत्यु का समय आया। हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य को द्वारा करते हैं, इसलिए मरते समय 3 जमदूत लेने के लिए आए, लेकिन उनका भयंकर रूप था, गले में काल फांस को लगाया। जब उसको प्राण को खेच रहे थे, इतने में डरते हुए अपना बेटे को दूर में देखा और उन्हें बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण। कितना खेर हो गया? नारायण, ये 4 अक्षर है, एक तरफ से 3 विष्णुदूत और दूसरे तरफ से 4 जमदूत और विष्णुदूत दोनों आ गए। आ करके इतने में विष्णुदूत कहते हैं माँ भयो डरने का कोई बात नहीं। इतने में जमदूतों को बोले भैया तुम लोग कौन हो? बोले हम तो धर्मराज का दूत। बोले धर्मराज का दूत होकर के अधर्म कैसे कर रहे हो? बोले अधर्म आपको पता है ये व्यक्ति को होता है, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पत्नी सुंदरी,
समस्त धर्म संपन्न था, लेकिन अपना पत्नी को परित्याग करके एक शूद्रानी वेश्या के साथ जीवन बिताया और उनसे जो बच्चे हुए उनको भरण पोषण करने के लिए डाकू गुंडागिरी चोरी सारे पाप कर्म किया। हमने से उम्मीद रखाया सीता नर्क जाएगा। विष्णु दूत ने कहा देखो उसने तो पाप कर्म किया ही है लेकिन पुण्य भी तो नहीं किया। बोले क्या किया? बोले अभी जो नारायण का नाम लिया। बोले वाह जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले एक बार नारायण बोल दिया हो गया, एक बार नारायण नाम से हो गया क्या? इतने में देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति। इतने में विष्णु दूत कहते बोले मूर्खो तुम लोगों को क्या पता है भगवान का नाम में कितनी शक्ति। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे जो रुई का ढेर हो नहीं तो भूस का एक ढेर हो, अगर उसमें आग की एक चिंगारी लग जाए तो क्या होगा बताओ? जला कर उसको राख बना देता है। आग की एक चिंगारी में इतनी शक्ति। लेकिन भगवान का नाम कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। आप इस सागर को लंग सके लंग सके ना बिना तुझ मेरा राधे राधे। भूत गया मानो उसी को, भूत गया मानो लेके राम दादा, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा घट आगे घट जा तेरा मेरा दे। द्रौपदी ने जब आया घट आगे घट जा तेरा मेरा दे। भगवान का नाम इसलिए उसने अंतिम समय में ठाकुर का नाम लिया। बोले ठाकुर का नाम कब लिया? देखो ध्यान देकर सुना। बोले ठाकुर का नाम कब लिया? वो तो बेटे को बुलाया था। किसको बुलाया था? किसको बुलाया था? बेटे को बुलाया था। भगवान का नाम कब बुलाया उसने? बेटे को बुलाया। तब विष्णु जी तो कहते बोले देखो जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया ना, देखो ध्यान देकर सुनो, क्यों बच्चों का नाम ठाकुर का नाम रखनी चाहिए? जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था उसी समय में उसका सारे पाप खत्म हो गया। उसने जो बारंबार बेटे को नारायण नारायण बुलाया, जैसे हम लोग माला में हरिनाम करते हैं ना हरे कृष्णा, इसको हो गया माला धर्म। और जो वो अंतिम समय में जो उन्होंने भगवान का नाम लिया है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम करी आवत नाही। जतन करने पर भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं आता है, लेकिन उसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया। और कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मरणे जा मति सागति, मरते समय तुम्हारे मुंह से किसी तरह से भी प्रभु का नाम क्यों नहीं निकल जाए, जैसे गति जैसे मति वैसे गति होगी। तब उन्होंने बोले देखो ठाकुर जी का नाम चार तरह से कल्याण करता है। बोले कैसे कैसे?
Blessankitam parihasyampa stoham helaninameva vaikuntha namagrahanam asesa agaharam vidu. पहला नंबर है सांकेत्यम। सांकेत्यम का तात्पर्य क्या है? जैसे बेटे का नाम कृष्ण रख दिया, बेटी का नाम तुमने राधा रख दिया, जैसे बेटे को बारंबार बुला कन्हैया आ जा, कृष्णा आ जा, ये संकेत है। तब गुरु जी की छोटी सी कथा सुनाते थे, ध्यान देकर सुना। पहले तो जंगल होता था, लोग जब जंगल से जाते थे लोग चोरी करते थे। पांच चोर जंगल में अलग अलग जगह पर खड़े हो जाते, जब किसी व्यक्ति को देखे ना वो दूसरे व्यक्ति को सावधान करते थे, बोलते थे नारायण नारायण। नारायण ठाकुर का नाम, लेकिन और एक अर्थ है नारायण, मतलब एक व्यक्ति आ रहा है वो दूर से देख लिया ना, दूसरे व्यक्ति सावधान हो जाता है। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को पास में पहुंचे वो बोलता था गोपाल गोपाल गोपाल, मतलब कृष्ण गया जरा मिले गोपाल। लेकिन गोपाल का और एक अर्थ है, जो गैया चलाने ना बुद्धि थोड़ा कम होता है, थोड़ा बुद्धि कम बोलता था, देखो देखने में लगता है आदमी बड़े भोले भाला है, बोले चोरी करने में बढ़िया रहेगा। जब तीसरे व्यक्ति के पास में पहुंचे बोलते थे दामोदर दामोदर, भैया जसोदा कन्या को उखल में बात दिया दामोदर नाम पड़ा। तीसरा दूसरा अर्थ है दाम मतलब ना पैसा, कहते चमड़ी तमड़ी, उधर मतलब कमर, बोले भैया इस बात में माल है, इसका मतलब माल है। जब चौथा व्यक्ति को पास में पहुंचता था बोलता था वासुदेव वासुदेव, वसुदेव का बेटा वासुदेव, लेकिन वो बोलता था 5 लाख और पिटाई करना शुरू कर। जब पंचमा व्यक्ति को पास में पहुंचता था बोला हरि हरि, हरि मतलब ठाकुर का नाम, कहते हरि मतलब सब कुछ हड़प लो, इसे सब कुछ हड़प लो। वो ऐसे ही इशारा करके चोरी करते थे, जब ऐसे इशारा कर रहे थे ठीक उसी समय में आकाश में मेघ छाया हुआ था, इसलिए मैं बिजली गिरी, बिजली गिरी तो 5-5 खत्म। लेकिन चूंकि अंतिम समय में भगवान के नाम को ले रहे थे और ये 5 को मुक्ति मिली, क्या मिल गई 5 को मुक्ति मिल गई 5 को। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, बच्चों का नाम क्या रखते थे, कृष्णा गोविंद दामोदर राधा गीता सीता। लेकिन अभी पूछो टुन्नो फुल्लो टिक्की फिक्की, जितने विदेश में जो कुत्तों का नाम विदेशी जाता है ना, ये सब कुत्तों का नाम है, बोले बोलते ये सब पुराना, ये सब पुराना सभ्यता था, पहले ये कृष्ण गोविंद नाम रखते थे। लेकिन नहीं भैया, हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो अच्छी संस्कृति है। देखो ये पीछे कुछ भक्त लोग बैठे हुए, देखो ये सब रसिया से आए, इनका नाम पूछ कर बैठे, एक का नाम वृंदा है, एक का नाम है सचिनंदन महापुर का नाम है, एक का नाम अतुल कृष्णा मणिमंदिर। देखो अभी ये लोग है ना, अभी विदेशी लोग कभी वृंदावन में जाओगे ना ईश्वर में जाओगे, देखो अंग्रेजियों को बच्चों का नाम पूछना कि टुल्लू भुल्लू ये सब नाम नहीं, हम तो गुड मर्निंग गुड इवनिंग कहते नहीं, वो हरे कृष्णा कहते हैं। वो लोग जो वो लोग हमारी संस्कृति को ग्रहण करने के लिए कोशिश करते, और हम लोग फिर नहीं, हम तो बड़े एडवांस हो गए मॉडर्न हो गए, इसलिए हम सब नाम नहीं रखेंगे, टुन्नो भुल्लू कुत्तों का नाम रखवाएंगे। नहीं भैया, जब बच्चे को बारंबार बुलाओ ना, वो जो कृष्ण नाम है कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर के प्रभु का नाम पूछिएगा घर का मंगल होगा, घर का अमंगल दूर हो जाएगी। जीवा से बारंबार नाम उच्चारण होगा तो जीवा भी कल्याण, सुनने वाला कल्याण, घर कल्याण, मंगल ही मंगल, ठीक है ना। सबके सब क्या रखना, ठाकुर जी को नाम रखा कर, इधर उधर नाम नहीं रखनी चाहिए। विष्णु दूत ने जमदूत को मार मार कर भगा दिए, और विष्णु दूत जमदूत ने सारे अस्त्र शस्त्र को लेकर के उन्होंने जम महाराज के चरण में फेंक दिए। बोले आज से कोई नौकरी वगैरह आप नहीं करेंगे आपने, बोले भैया क्या हो गया, बोले क्या हो गया जगत में, हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता करता विधाता आप ही हो, हमें पता चला दुनिया में कोई आपको पूछने वाला नहीं। बोले भैया बात कर क्या बताओ, बोले एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था जामीन, हम उसको लेने के लिए गए थे, पता नहीं कहाँ से सुंदर सुंदर चार विष्णु दूत आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए, क्या सुंदर पहने में थे, हमको इतने अपमान की मार मार कर भगा दी,
हमको बांध करके लेकर के हमारे सामने दंड दो, नहीं तो आप नौकरी हम नहीं करेंगे। इतने में जब महाराज बोले ये बताओ वो व्यक्ति मरते समय कुछ बोला था क्या? बोला हाँ एक बार क्या नारायण नाम लिया। किसका नाम लिया था? इतना नारायण नाम सुनते तो जब महाराज बिल्कुल निरस हो गए। बोले बड़े दिनों में ठाकुर का नाम हमें सुनने को मिला। बोले ठाकुर हम तो सोच रहे थे जगत का हर्ता करता विधाता आप ही हो, आप कहते आपका ठाकुर भाई। बोले मूर्ख हो तुमको क्या पता है, मैं तो नौकर हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण है। मैं तो केवल जगत का जीव का मतलब पाप कर्मों को पुण्य करना नहीं, ये पाप कर्मों को ही दंड देने वाला हूँ, लेकिन मेरे ब्रह्मा शंकर जी का भी जो इष्ट है भगवान श्री नारायण है। बोले देखो इतने में जमदूत कहते हैं बोले ये बताओ मेरे किसको किसको लाना। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको पास मेरे पास में मत लाना, जो भजन नहीं करते हैं मेरे पास में ले आना। इतने में जमदूत कहते हैं भैया किसकी शरीर में तो लिखा हुआ होता है ये भजन करता ये भक्ति करता नहीं, हमें एक चार्ट बना दो जिस चार्ट को देख करके हम लोगों को लाया करें। देखो ये जम स्वयं ये चार्ट बना करके ये जमदूत को दे रहे हैं, ध्यान देकर सुनो कौन कौन नर्क जाएगा और कौन वैकुंठ जाएगा, ये चार्ट में लिखा हुआ ये श्लोक है। बोले जीवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चेतश्च न स्मरति तत् चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति जात स्थिर कदापि तान आनधम असत अक्रीत विष्णु कृत्या इचाटि। जब क्या कहते हैं बोले जिनको भगवान ने ये जिहा दे दिया दीन भर इधर उधर की बात चुगली निंदा करते हैं लेकिन भगवान की जो नाम नहीं करते हैं है जिहा न भक्ति भगवत गुण नाम नहीं। अब दूसरे बोले चित्तश्च न स्मरति जत चरणार्थ जो हृदय में कभी भगवान को स्मरण नहीं करते हैं बोले कृष्णाय नो नमति जत सिर कदापि जो ठाकुर जी के चरण में नतमस्तक नहीं करती है सर को ठाकुर जी के चरण में नहीं चुकाते बोले तान आने अधम उन उन अधम को पकड़ पकड़ कर ले आ। बोले किसको? विष्णु कृत्या। विष्णु कृत्या मतलब होता है जो विष्णु मंत्र में दीक्षित नहीं है, जो भगवान विष्णु मंत्र में जो दीक्षा नहीं लिए हैं उनको पकड़ कर ले आओ। बोले भैया दीक्षा लेने पर क्या लक्षण है? कहते उनकी तीन लक्षण देखो। बोले तीन लक्षण क्या है? बोले ललाटे तिलकम। पहला लक्षण क्या है? कि जो ललाट है ना ये ललाट में वो तिलक धारण करते हैं। देखो ये तिलक का बड़ा महत्व है, आप लोग तो हिंदू लोग हैं हैं? आप देखना जैसे कोई अच्छे काम पर कोई जाते हैं ना हम तिलक लगाकर भेजते हैं, तिलक लगाकर भेजते हैं ना, क्यों? जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम तुम्हारी बन जाए हैं। श्री तिलक की बड़ी महिमा है। जैसे कुछ सधवा स्त्रियां हमें कैसे पता चलता कोई सधवा कोई विधवा है कैसे पता चलता है? देखना आप लोग सिंदूर लगा रहे हो मांग भरते हो मंगल सूत्र धारण करते हो इससे पता चलता है सधवा। भैया जब जगत का पति के लिए जब तुमने इतने मांग भर दिया सिंदूर मंगल सूत्र पहन लिया लेकिन पति का जो पति है जो परम पति उसके लिए क्या तुम्हारे अंदर में चिन्ह है? उसका चिन्ह होनी चाहिए ना। कहते भैया ललाट में ये तिलक धारण करते हैं। देखो ये तिलक है ऐसे नहीं कोई फोटा लगा दी, नहीं। देखो ये ब्रह्मा है ये बीच में विष्णु है ये महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे का भाग देखो जैसे ठाकुर के चरण में तुलसी दल देते हैं ना ये तुलसी पता जैसे है। इसलिए देखो तिलक ठाकुर को कृष्ण को देख लो भगवान कृष्ण कैसे तिलक लगाए, नारायण को देखो उनका आधा मुंह तिलक में, भगवान राम को देखो हनुमान जी को देखो गणेश जी को देखो तिलक है कि नहीं? ठाकुर जी की भगवान भी तिलक धारण करते हैं। अब तुम्हारी और हमारी बात छोड़ दो, जैसे घर में कोई पुजारी जो पूजा कराने आता है आप देखना जब तक तिलक नहीं लगाएगा तो पूजा नहीं करेगा, क्यों? तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा सभा निष्फल है। इसलिए शास्त्र बताए लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री हरिवल्लभा नित्य तस्य भवेत् देहे जस्य पद्मांकित तनु, ये पुराण में बताए
जो व्यक्ति शरीर में तिलक धारण करते हैं उसको शरीर में कौन कौन लग्न, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, हरिवल्लभा, गीता, गया गंगा कुरुक्षेत्र, गया गंगा कुरुक्षेत्र, जितने सारे देवता उसको शरीर में नित्य तस्य भवेत देहे, उसको नित्य ही ठाकुर जी उसको शरीर में निवास करते हैं। इसलिए जब महाराज जमदूत कहते हैं जो तिलक लगाए हुए होंगे ना, खबरदार मेरे पास मत लाना, अब ये गोपियों का चरण धूल ये साधारण वस्तु नहीं, भगवान जिसमें तिलक लगाते हैं। दूसरी चीज क्या है, बोले कंठे त्रिकंठिका, गले में ये तुलसी की माला धारण करते हैं। इसलिए ये तुलसी को साधारण लकड़ी मत समझो, ये कोई लकड़ी है नहीं। आप दुकान से एक मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, देखना उसको साथ में इतना बड़ा पेपर होगा, देखना उसको पढ़ कर कल मेरे को बताना। 200 बीमारी का जो मेडिसिन ये तुलसी विद्या में, अभी बाबा रामदेव ने जो कोरोना का सबसे पहले उन्होंने दवा कोरोना निकाला था, आप उसको पढ़ करके देखो, 80% तुलसी उसमें, 80% तुलसी उसमें है। इसलिए ये तुलसी को साधारण वृक्ष मत समझो। अगर गले में धारण करते हुए स्नान करोगे ना, इसका पानी सारा शरीर में जाएगा तो सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है, सारे तीर्थ में नहाना हो जाता है बैठ बैठ कर घर में, और शरीर से बड़ी बड़ी बीमारी चली जाती है। इसलिए उसको कोई लकड़ी मत समझो। इसलिए गले में तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते, बोले देखो दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के कुत्ते हैं बोलो, कितने तरह के, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। कैसे पता चल रहा है ये पालतू कुत्ता है, जिसके गले में बेल्ट लगा हुआ होता है ना, देखने से पता चलता किसी घर की कुत्ता पालतू कुत्ता, और जिसके गले में पट्टा नहीं उसको फालतू कुत्ता। देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर गले में तुलसी करती है, हम किसके पालतू है, हम से बांध के निहार की पालतू है। अगर गले में कंठी नहीं तो फिर अब क्या होगा, अरे बोलो क्या है। इसलिए भैया फालतू नहीं होनी चाहिए, हमें ठाकुर जी की पालतू बननी चाहिए। जब स्वयं चाट बना कर दे रहे हैं, ये चाट को बना कर दे रहे हैं, है? और क्या करेंगे, भगवान की माला जप करते हैं। कहते हैं अगर जिसको शरीर की किस्म चीज देखो ना, उनको दूर से प्रणाम कर लेना, समझ लाना ये भगवान की भक्ति करने वाले, और इनकी विचार ठाकुर करने मैं नहीं कर सकता, ये जम स्वयं करके ये चाट बना करके दिए। इसलिए गले में कंठी पहनो, तिलक लगाओ और भगवान की नाम को जप करो। एक और हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। लाल बलिहारी लाल की जय। जो विष्णु दूतों ने रक्षा करने के लिए आए, किसको, अजामिल को आए, लेकिन अजामिल उनको चरण स्पर्श करना चाहता था, अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कहां पर गए, फिर उन्होंने हरिद्वार में गए, और हरिद्वार में उन्होंने तपस्या की, फिर भजन किया। जब उनको सिद्धि हुई, फिर वही चार विष्णु दूत आए, रथ में, बोले रथ में बैठाओ और चलो वैकुंठ धाम चलो। इतने में अजामिल ने बोले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, बोले बोलो, बोले पहले जब आज चार व्यक्ति आए थे, मैंने आपसे बात करना चाह रहा था, प्रणाम करना चाह रहा था, लेकिन आप बात भी नहीं किए, मेरे प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन अभी आकर बात करते हो, प्रणाम स्वीकार कर रहे हो, रथ भी लाए, बोले इसका तात्पर्य क्या। बोले तात्पर्य है, पहला बार जब आपने भगवान का नाम लिया था, इससे केवल आपका पाप नष्ट हुआ था और कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान का धाम में जाने के लिए आप उपयुक्त नहीं थे, पाप भी नष्ट हुआ था। लेकिन जब फिर हरिद्वार में गए, हरिद्वार में फिर भगवान की भक्ति भजन की, फिर धीरे धीरे ठाकुर का प्रति आपका प्रेम प्रकट हुआ, क्योंकि हम सबसे बात नहीं करते हैं, लेकिन अपने फिर आपने क्या किया, आपने को गुरु कौन बने, और जो विष्णु गुरुओं ने उसी समय में जो नाम की महिमा उन्होंने बताए थे,
उनसे जो मैंने कथा सुनी वो हो गई गुरु, क्योंकि नाम की महिमा मैंने बताई, क्योंकि कहते ना बिनु गुरु भवन की तरई न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई, कहते ब्रह्मा जी शंकर जी के बराबर क्यों नहीं हो जाओ, अगर सदगुरु ग्रहण नहीं किया तो संसार से पार नहीं हो सकते हो, इसलिए उनसे जो आपने जो कथा सुनी नाम की वो लोग हो गए तुम्हारी गुरु। अभी गुरु होकर के जब यहाँ पर तुमने भजन की, बस हृदय में प्रेम प्रकट हुआ और हम तुमको लेने के लिए आए, रथ में बैठे और सीधा ठाकुर जी की पास में चलो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, के आनंद की जय, जय जय श्री प्रार्थना कर रहा है कि मैं संसार में सब कुछ देखा, दर दर की ठोकर खाई, घर घर घूमा, कहीं कुछ नहीं सेवा दुख कष्ट था, इसलिए ठाकुर जी ऐसी मेरी कृपा करो कि मुझे प्रेम का वास हो गया, और कहां कहां कहने हो ये था ब्रज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी बारे ब्रज राज ब्रज बिहारी गोपाल बंसी तेरे दर पे आके
दर पे आके जाए ना हम Thank you.